दोस्तों आखिरी वनडे के लिए रोहित कोहली सहित पांच धुरंधर खिलाड़ी पहुंचे राजकोट, ऑस्ट्रेलिया हैरान। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन है ये पांच धुरंधर खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा कर इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बताए कि जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के 2 मुकाबले अब समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में जहां दोनों ही मुकाबलों में टीम ने शानदार जीत हासिल कर इस सीरीज पे कब्जा कर लिया। जहां जब दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया तो इस मुकाबले में जहां ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करनी होती है और टीम इंडिया ने 50 ओवर में केवल 5 विकेट खोकर 399 रनों का ताबड़तोड़ स्कोर खड़ा कर दिया। जी हां, इसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करनी उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम दोस्तों केवल 28 ओवर में 10 विकेट खोकर 217 रन ही बना पाई और टीम इंडिया यह मुकाबला 99 रनों से डीएलएस मेथड से जीत गई। जी हां, लेकिन अब ऐसे में आपको बता दें कि जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है जो कि 27 सितंबर को खेला जाएगा, और ऐसे में यह मुकाबला राजकोट यानी कि गुजरात में स्वराज क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और ऐसे में इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की टीम में 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं। जी हां, ऐसे में आपको बता दें कि जहां 2 मैचों में दोस्तों टीम इंडिया की कमान यानी कि कप्तानी केएल राहुल कर रहे थे, लेकिन ऐसे 5वें में आपको बता दें कि दोस्तों यहां पे रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। जी हां, जहां आपको बता दें कि रोहित शर्मा कप्तानी करते नजर आएंगे, तो वहीं दूसरे खिलाड़ी में दोस्तों विराट कोहली होने वाले हैं, रन मशीन विराट कोहली। तो इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर में एक और खिलाड़ी हार्दिक पांडे यहां पे खेलते नजर आएंगे, उनकी भी वापसी हो चुकी है स्क्वाड में। तो इसके बाद नंबर 4 पर यहां पे दोस्तों अक्षर पटेल, जो कि एशिया कप में थोड़ा चोटिल हो गए थे लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं और ऐसे में इस स्क्वाड से यानी कि टीम इंडिया फिर जुड़ चुके हैं और तीसरे मैच में वो हमें खेलते नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 5 पर यहां पे दोस्तों कुलदीप यादव, जी हां, जिनको एशिया कप के बाद थोड़ा आराम दिया गया लेकिन अब फिर वापसी करने वाले और तीसरे वनडे मैच में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया टीम की खटिया खड़ी करने वाले। तो आपकी राय इन 5 खिलाड़ियों के बारे में, आपको क्या लगता है टीम इंडिया तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तब तक